स्मार्टफोन में और टैबलेट वितरण को लेकर जिस तरह से यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं हैं उनसे बात करते हैं। किस तरह इस फोन से क्या आप लोग इस फोन से क्या आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्या है इस फोन से, कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं और इससे शिक्षा के आगे की प्राप्ति होगी और बहुत बच्चों को भी आगमी इसमें। योजना कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है। आप लोग खुश हैं? हाँ, आइए इसी योजना के तहत कुछ भी फोन और मिला जी, मिला। कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी है। कितना? बहुत खुशी है। और मैं यूपी गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस फ़ोन के लिए जी। और आगे क्या तैयारी जी? इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा हमें, और जैसे कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं और तो जिससे हम कोई भी कोचिंग करनी रहेगी कंपटीशन वगैरह की, तो इससे हम आसानी से कोई भी कोचिंग कर सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देख सकते हैं जो छात्र छात्राएं हैं और लाभार्थी हैं, फ़ोन पाकर काफ़ी खुश हैं। जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ छात्र छात्राएं जिस तरह से और इधर छात्र हैं, तो तमाम ऐसे छात्र छात्राएं हैं। क्या फ़ोन से कितनी खुशी हो रही है? वैसे पढ़ाई के लिए सरकार की कैसी योजना है? अच्छी योजना है ऑनलाइन स्टडी के लिए, क्योंकि कोविड में सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया था, तो इसलिए सबके सरकार की योजना से हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। तो देख सकते हैं जिस तरह से सरकार की योजना जिस तरह से चल रही है और लाभार्थी यहाँ तमाम हैं और छात्र छात्राएँ यहाँ डिग्री कॉलेज की। तो कुछ और यहाँ पे छात्र छात्राएँ सर देख सकते हैं, यहाँ पे डिजिटल इंडिया का ज़माना और ये खुद लैपटॉप मिला, क्या सर कैसी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लगा। ये योजना किस तरह की है? बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ। मज़ा आ रहा है जी? कितना अब इसका अंदाज़ा नहीं, इससे क्या फ़ायदा होगा जी? जैसे लोगों को टैबलेट और मोबाइल वितरण किया गया जी, जो बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में असुविधा हो रही थी उसको बढ़ावा मिलेगा जी, जिन जिनको जो दूसरे को। तो देख सकते हैं यहाँ तमाम छात्र छात्राएं हैं और जिस तरह से खुशी का ये इजहार कर रहे हैं, देख सकते हैं तमाम हाथों में भैया लिए हुए हैं टैबलेट। आगे तैयार है के माध्यम से आर्यन सक्सेना आप आएंगे मंच पे। आशा श्री सुरेश प्रसाद और आशीष मौर्य जी आएंगे। आशीष मौर्य, कविता यादव नहीं है, देखिए सामने देख आशीष कादू जी आएंगे सर। Thank you.
स्वागत है आपका संघर्ष न्यूज लाइव में। मैं विवेक चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष न्यूज लाइव। चलिए आज बात करते हैं स्मार्टफोन को लेकर, किस तरह का कार्यक्रम था, आइए यहाँ पे सांसद जी। यह कार्यक्रम जो है माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के पूरे भारत में उच्च शिक्षा लागू करने के लिए यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। स्मार्टफोन और टैबलेट जो बांटा जा रहा है, यह ऊँची से ऊँची ऊँचाइयों शिक्षा नीति को ऊपर बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, और जो विदेश में लोग जाकर पढ़ रहे हैं वो अपने देश में पढ़ें, इसका लक्ष्य जो है यही है कि हमारा देश उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करे। अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन लोगों को मैंने कहा है, आशीर्वाद दिया है। किस तरह का कार्यक्रम था और इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल इंडिया के तहत बच्चे जो देहाती क्षेत्र के हैं उनके लिए भी यह सुविधा हुई। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं और हमारे छोटे से जनपद मऊ के लिए 80,000 टैबलेट और स्मार्टफोन अपने जनपद के लिए आए हैं बच्चों के बीच में। अभी देखा होगा आप लोगों ने, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले मंत्रिमंडल में पूज्य योगी जी ने एक बिल पास किया है कि हर ग्राम सभाओं में वाईफाई लगेगी, तो उसके माध्यम से बच्चे अपने डिजिटल इंडिया के तहत जुड़ेंगे। और हमारी शुभकामना है इस विद्यालय परिवार को और इन बच्चों को कि स्मार्टफोन से जुड़कर विश्व के अग्रणी देशों के जो बच्चे जितने स्मार्टफोन से जुड़ के और जो डिजिटल बने हुए हैं उस तरह हमारे बच्चे भी उनके बराबरी में हों। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः पूज्य योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस तरह की योजना उत्तर प्रदेश में लाई। भरत भैया से भी बात कर लेते हैं चलते चलते। भरत भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। आज राम भजन पीजी कॉलेज के इस सभागार में 800 कुछ बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण माननीय सांसद सकलदीप राजभर जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। मैं शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना की भूर प्रशंसा करता हूँ, जिसे डिजिटल भारत और आत्मनिर्भर भारत, अब मैं कहूँ कि कोविड जैसे महामारी में जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उनको एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए शासन ने अच्छा पहल किया है। परम पूज्य मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद।